शिक्षा जीवन की बुनियाद होती। शिक्षा से हम अपने स्वयं का विकास करते हैं, समाज का विकास करते हैं, राष्ट्र का विकास करते हैं। तो आइए चलते हैं हम आज श्री जैन आदर्श विद्या निकेतन, जहां पर हरितिमा युक्त वातावरण में, शांत परिवेश में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वतोमुखी विकास के लिए उन्हें शिक्षा दी जाती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये बहुमंजिला जो भवन है, जो लाखों स्क्वायर वर्ग फुट में निर्मित है, जहां पर विद्यालय में सभी भौतिक संसाधनों के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाता है। आइए हम चलते हैं विद्यालय के अन्य उन सभी विभागों में। ये है प्रयोगशाला विज्ञान की, जहां बालिकाएं ये हम देख रहे हैं कि प्रयोग कर रही हैं, और सारी समुचित सुविधाओं से युक्त ये विज्ञान लैब, जिन बालकों की विज्ञान विषय में रुचि है वे बालक यहाँ पर ये लैब में जो है वो प्रयोग कर रहे हैं। और आइए अब चलते हैं हम ये कंप्यूटर लैब में। आज आईटी का ज़माना है, संचार क्रांति ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, और आजकल जो कंप्यूटर है हमारी ज़रूरत बन गया है, और उसी कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट से जुड़कर हम देश विदेश की जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो ये जो विद्यार्थी हैं ये कंप्यूटर की जानकारी लेकर के और तकनीकी क्षेत्र में अपनी महत्ता सिद्ध कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि बच्चों को आवागमन के लिए बसों की उचित इस विद्यालय में सुविधा है। बच्चों को अपने घर से पूरी सुविधाजनक रूप में यहाँ लाया जाता है और फिर उन्हें अपने घर तक पहुँचाया जाता है। और ये माँ वीणा पाणिका सरस्वती का पावन मंदिर है। यहाँ विद्यार्थी प्रवेश करते ही माँ के चरणों में नमन करते हैं और माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि हम तो अबोध हैं, अज्ञानी हैं, अनजान हैं, हे माँ तुम हमें शिक्षा का वरदान दे, ज्ञान की ज्योति दे, और माँ से ये वरदान मांगते हैं। और माँ अपने पुत्रों को शिक्षा का वरदान दे करके उनके जीवन को सफल बनाती है। यहाँ पर गुरुकुल छात्रावास की सुविधा भी है। दूर दराज से आने वाली बालिकाओं के लिए यहाँ पर रहने की उचित व्यवस्था है, उचित प्रबंध है। इसके साथ ही ये जो इतना बड़ा मैदान देख रहे हैं, शायद नोखा में ऐसी कोई भी स्कूल नहीं है जहां पर इतना बड़ा मैदान हो। सारा मैदान हरितिमा युक्त है। और आइए अब संस्थान के प्रबंधन मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष श्री ईश्वर चंद जी बैद से मिलते हैं। श्री जैन आदर सेवा संस्थान की ओर से आप सभी का भावभीना स्वागत एवं अभिनंदन। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी संस्था का अवलोकन कर विद्यार्थियों के सर्वांगीण प्रगति, शैक्षिक उन्नयन के सहभागी बनकर संस्था के विकास के साक्षी बने। आइए अब हम बात करते हैं देश की इस असली धरोहर से। कहते हैं कि देश की जो असली संपत्ति बैंकों में नहीं होती, विद्यालयों में होती है। तो हम उसी विद्यालय की उन धरोहर से बात करते हैं और जानते हैं इस विद्यालय के बारे में, अपने स्वयं के बारे में, शिक्षण के बारे में। मिलते हैं उन कुछ विद्यार्थियों से। मानसी पारक। आप कब से इस स्कूल में? मैं 5 साल से, 6th class। 6th class से लेके 10th तक। 10th तक। तो आपको इस स्कूल की सबसे बेस्ट बातें क्या लग रही है? इधर के टीचर्स सारे बहुत काइंड है, बेस्ट क्वालिफाइड है, सब बहुत अच्छे हैं। इधर का एनवायरनमेंट, पढ़ाई, सब कुछ अच्छा है। स्कूल की सबसे बेस्ट बात कौन सी लगी आपको? यहाँ पे सभी तरह की फैसिलिटीज है, गेम से लेकर साइंस लैब देख लो, केमिस्ट्री, बायो लैब सब है। सारे तरह के गेम्स है यहाँ पे, स्पोर्ट्स वीक्स होते हैं, सब फंक्शंस होते हैं, तो अच्छा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऐश्वर्या झवर है। आप कौन सी क्लास से यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? मैं स्टार्टिंग से इसी स्कूल में पढ़ रही हूँ, LKG से। आपको इस स्कूल की कौन सी सबसे बेस्ट बातें लगी? स्कूल की सबसे बेस्ट बात है कि यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, यहाँ के सारे टीचर्स बहुत अंडरस्टैंडिंग है और हम सबको हमेशा हेल्प करते हैं। जैन स्कूल के प्रिंसिपल महेश जी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे कुछ सवाल करते हैं स्कूल संबंधित। सर, इस बार स्कूल में कौन सी न्यू एक्टिविटी लेके आ रहे हो? ओके, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमने इस बार इस सेशन में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी शामिल की हैं जो शायद नौखा के किसी भी स्कूल में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे हॉर्स राइडिंग है, वॉल क्लाइंबिंग है, राइफल शूटिंग है, म्यूजिक है, स्कूल बैंड है, स्केटिंग है। ये सारी एक्टिविटी ऐसी हैं जो शायद ही आपको किसी दूसरे स्कूल में देखने के लिए मिलेगी। सर, इन एक्टिविटीज से बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है? हाँ, अच्छा प्रश्न किया है आपने। इन एक्टिविटीज से बच्चा, देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे को घर पर इस प्रकार के जो संसाधन हैं
वो संसाधन बच्चे को नहीं मिल पाते। स्कूल में आकर जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखता है तो वो भी इन एक्टिविटी में शामिल होने का प्रयास करता है और इससे इन एक्टिविटी से बच्चे का स्वास्थ्य, एक तो बच्चा स्वस्थ रहता है, उसकी मसल्स पावर स्ट्रांग होती है और उसको एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर पैदा होता है। सर, आपके स्कूल का CBSE बोर्ड रिजल्ट कैसा रहता है? देखिए, आपने ये जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कोई इतनी ज़रूरत नहीं मिलेगी पड़ेगी, क्योंकि हमारे विद्यालय का जो रिजल्ट है वो प्रतिवर्ष 100% रहता है। 100% के साथ साथ क्वालिटी रिजल्ट रहता है। गत वर्ष हमारा जो रिजल्ट था 12th का, उसमें हमारे बच्चा सिद्धार्थ पारख, जिसने 93 point something मार्क्स प्राप्त किए थे, और नौखा के जितने भी CBSE स्कूल हैं उनका वो टॉपर छात्र था। मैं उस छात्र को बधाई देना चाहता हूँ, उसके पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आकर और मुझसे उस बच्चे के बारे में पूछा। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं उन बच्चों को हमने अपने एनुअल फंक्शन में, वार्षिक उत्सव में सम्मानित किया, और आगे भी मैनेजमेंट की एक योजना है कि इस प्रकार के जो विद्यार्थी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनको हम आगे भी सम्मानित करेंगे। चलो, इस बार मैं उस बच्चे से मिलूंगा भी और आपको भी मिलूंगा। आपके जो जैन स्कूल में टीचर हैं उनकी क्या क्वालिफाई रहती है, मिनिमम और हाई? देखिए, CBSE बोर्ड की जो नॉर्म्स हैं टीचर्स की क्वालिफिकेशन के लिए, उसमें तीन कैटेगरी CBSE बोर्ड निर्धारित करता है। एक तो PRT, TGT और PGT। जो PGTs होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, ट्रेंड टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट के होते हैं वो, और TGT होते हैं वो सेकेंडरी लेवल तक के टीचर्स होते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और PRT होते हैं प्राइमरी टीचर। वो जो नॉर्म्स हैं क्वालिफिकेशन जिसकी जितनी होनी चाहिए, उस नॉर्म्स के, उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो मैनेजमेंट है उनका चयन करता है और बेस्ट चयन करने का प्रयास करता है, जिससे बच्चे को एक अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। जो अपने स्टूडेंट गार्जियन है और आने वाले न्यू एडमिशन है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो विद्यालय है वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का विद्यालय नहीं है, ये एक संस्थान है। इसमें जो मैनेजमेंट जो डिसाइड करता है, उस मैनेजमेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टाफ है वर्क करता है। हमारा उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है, अन्यत्र विद्यालयों की तरह हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। हमारा उद्देश्य मात्र ये है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा एक वातावरण उसको मिले, जिससे वो अपना जीवन, अपना भविष्य सुधार सके। धन कमाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य बच्चे को अच्छी क्वालिटी शिक्षा देने का है, और मैं चाहता हूँ कि हमने जो प्रयास किया है शिक्षा का बच्चों को देने का, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। गत वर्ष का हमारा रिजल्ट था, आगे भविष्य में भी हम चाहेंगे कि अच्छा एक क्वालिटी रिजल्ट हम देने का प्रयास करें। हम धन कमाने की हमारी बिल्कुल भी नियत नहीं है अन्यत्र विद्यालय की तरह। बहुत अच्छी बात की। और हमने यहाँ से जो ग्रेजुएट हो चुके बच्चे, जो आज CA डॉक्टर है, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे वो स्कूल के बारे में क्या कहते हैं, और प्रेजेंट बच्चों से हमने बात की थी, और उन बच्चों से भी बात करेंगे जो आज डॉक्टर या CA बन चुके हैं, या जो भी इंजीनियर भी बन चुके हैं उनसे बात करेंगे, और कुछ तो बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। चलते हैं उनसे बात करते हैं। मेरा नाम नवरत्न बैद है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मैंने अपना 10th और 12th श्री जैन स्कूल आदर्श विद्या निकेतन से किया है। और जब मैंने 2005 में इस स्कूल से पास आउट किया था, तब ये स्कूल उस टाइम में नोखा में टॉप पर थी, और जो फैसिलिटी उस टाइम पे नोखा में कहीं भी नहीं थी, आई थिंक बीकानेर में भी एक दो स्कूल में होगी, उस समय में भी नोखा में ये सारी फैसिलिटीज़ थी। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आज भी सारी फैसिलिटीज़ कहीं स्कूल में नहीं मिलेगी, पर नोखा में इस स्कूल में मिलेगी। मतलब स्पोर्ट्स के लिए ले लो आप, मतलब एजुकेशन के लिए ले लो, कल्चर के लिए ले लो, कोई भी एक्टिविटीज़ है तो नोखा में ये बेस्ट है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सब पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि आज तो स्कूल में सब फैसिलिटीज़ है, कॉलेज की भी है, आगे लेडीज़ गर्ल्स के लिए उनके लिए भी पूरी फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल भी बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आई थिंक इस स्कूल में एडमिशन लो और अपना फ्यूचर है जो ब्राइट की। मेरा नाम संदीप पांकरिया है, मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने 2002 में 10th पास आउट किया सृजन आदर्श विद्या निकेतन नोखा स्कूल से, और 2004 में 12th पास आउट किया। और ये इसी संस्था की बदौलत है कि मैं आज CA बन सका हूँ, और मुझे इस संस्था की ऑडिट करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जैन स्कूल संस्था में बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है वहाँ पे, और BSTC, BSC और गर्ल्स हॉस्टल और टीचर्स के रहने के लिए क्वार्टर्स भी व्यवस्था है वहाँ पे, और स्कूल में टीचर्स जो भी है वो सब हाईली क्वालिफाइड है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम चौधरी है और मैं नोखा में MRF एक्सक्लूसिव का प्रोप्राइटर हूँ।
मेरी स्कूलिंग जैन स्कूल से हुई थी और MBA करने के बाद में मेरी रुचि पहले से ही बिजनेस में ही थी, तो मैंने यहीं से ही बिजनेस अपना स्टार्ट किया। और जैन स्कूल के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे पेरेंट्स ने जैन स्कूल, हमारी स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें जैन स्कूल भेजा था। तो वहाँ पे स्टडी के अलावा हमारे जैसे स्पोर्ट्स में किसी की रुचि है, जैसे आपकी अगर म्यूज़िक में रुचि है, तो वहाँ पे सारी की सारी सुविधाएं मिलती है और पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। सबका एक अलग से टीचर रहते हैं, लाइब्रेरियन के अलग से टीचर हैं, म्यूज़िक के अलग से टीचर हैं, स्पोर्ट्स के लिए अलग से टीचर हैं। तो पूरी की पूरी एक बच्चे की जो स्किल डेवलपमेंट होती है, इसके लिए हमारे पेरेंट्स ने जैन स्कूल पर हमारा वहाँ पर दाखिला कराया था।